Okay, today we are going to discuss about structure of neuron. देखिए ध्यान दीजिए, basically structure of neuron जो है वो तीन parts में divide किया जाता है. The first is dendrites, ये जो आसपास का branching, ये आसपास की जो branched हैं, इनको हम लोग कहते हैं dendrites, right? These are the dendrites. ये बीच का जो part है, इसको कहते हैं हम लोग cell body, right? और दिस इज वॉट एक्सॉन. बस फर्स्ट इज डेंड्राइट्स, सेकेंड वॉज सेल बॉडी एंड थर्ड वन इज एक्सॉन. ये मेन आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डेंड्राइट्स की. डेंड्राइट्स के बारे में आप इतना याद रखिए कि ये हैं इनपुट स्ट्रक्चर्स, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, राइट. सेल बॉडी के बारे में हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, और ये ट्रांसमिशन यहाँ से इस तरीके से जो इम्पल्सेस हैं, जो मैसेज हैं, इस तरीके से जाते हैं. और ये है आपका टर्मिनल एंड्स, यहाँ पे बल्ब्स होते हैं एंड में, इसको टर्मिनल बल्ब कहते हैं. या इसमें बल्ब में छोटे छोटे जो वेसिकल्स होते हैं उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, और न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू ही ये इफेक्टर ऑर्गन्स में अपना मैसेज ट्रांसफर करते हैं, राइट. बात करते हैं अब एक्सॉन की. एक्सॉन इज ए सिंपल स्ट्रक्चर, आप ये देखिए इस तरीके से एक्सॉन स्ट्रक्चर होती है, और ये बीच बीच में आप कवरिंग देख रहे हैं, बीच बीच में ये कवरिंग होती है जिसको कहते हैं माइलिनेशन, ठीक है. अब बी कवरिंग के बीच में छोटी थोड़ी थोड़ी जगह छूटी होती है जिसको कहते हैं हम लोग रेनवियर नोड या नोड ऑफ रेनवियर. क्यों कहते हैं इनको रेनवियर नोड या नोड ऑफ रेनवियर? क्योंकि 1878 में फ्रेंच हिस्टोलॉजिस्ट उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कि हाँ कोई ऐसी संरचना होती है. उनका नाम था लुइस एंटोनी रेनवियर, उन्हीं के नाम पे इस जो जगह को नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर नोड कहते हैं. देखिए इस जगह पे क्या होता है कि माइलिनेशन नहीं होता, ये कवरिंग नहीं होती है. कवरिंग ना होने की वजह से इसी जगह से आयनिक एक्सचेंज होता रहता है, आयन का ट्रांसपोर्टेशन इसी जगह से इजली हो जाता है, और नर्व इम्पल्सिस को आगे बढ़ाने के लिए एक्सचेंज ऑफ आयन्स बड़ा जरूरी होता है. आइए अब बात करते हैं सेल बॉडी की. देखिए सेल बॉडी और नॉर्मल सेल में कोई खास अंतर नहीं होता, लगभग लगभग एक जैसी स्ट्रक्चर लगती है. ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज सेल बॉडी, और ये जो साइड में ब्रांचिंग है दिस इज डेंड्राइट्स, फर्स्ट इज डेंड्राइट्स. लेकिन ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी का पार्ट नहीं है डेंड्राइट्स. देखिए नॉर्मली आप देखिए, आप सेल ऑर्गेनल्स देखिए, इसमें बिल्कुल आपको वही लगेंगे जैसे कि आप नॉर्मल सेल में पढ़ेंगे. देखिए ये क्या है, सबसे पहले जो दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. अब ये सेंट्रल में क्या है, अरे ये तो लग रहा न्यूक्लियस ही है. जी हाँ बिल्कुल, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियोलस. और ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज गॉल्जी ऑपरेटस. ये जो स्ट्रक्चर गॉल्जी ऑपरेटस, दिस ये आप देख रहे हैं गुच्छों में पड़े हुए ढेर लगा हुआ, ये है आपके फ्री राइबोसोम्स, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपके फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. अगर आप ध्यान से देखें तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इनको कहते हैं न्यूरोफिलामेंट्स. न्यूरोफिलामेंट्स एक आप जो सेल होती है उसको एक शेप में बनाए रखता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल बॉडी.